हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के ऊपर। वोडाफोन और आइडिया के शेयर में आज हम लोगों को तकरीबन 20% से ज़्यादा का तेजी देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे का असली वजह क्या है? इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा जो असली वजह है वो है जो गवर्नमेंट के पास जितना भी AGR ड्यूज था, उनको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के रूप में जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वोडाफोन आइडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है, और इसके साथ ही जो है करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे आपको ये हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में, तकरीबन 6.85 रुपये पे स्टॉक क्लोज हुआ था। अगर हम लोग यहां से बात करते हैं तो तकरीबन जो है आपको 40% से भी ज़्यादा प्रीमियम पे जो है ये गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है जो आपको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से जो है आपको यहां पे तेजी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ही न्यूज़ बेस्ड आपको ये तेजी है। अब आगे इससे कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट का आपको जरूर ये फोकस है जो एटलीस्ट मल्टीप्लेयर जो है इस मार्केट में रहे, तभी जो है एक कम्पिटिटिव मार्केट जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिंगल बिजनेस बचेगा, सपोज अगर ओनली जियो बचता है तो मोनोपोली हो जाएगा। तो मार्केट का गवर्नमेंट का ये फोकस जरूर है जो 2 से 3 प्लेयर जो है हमेशा मार्केट के अंदर रहने चाहिए, जिससे कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का मोनोपोली नहीं हो। और साथ ही साथ जो है आपको 2-3 कंपनी अगर रहेंगे तो वहाँ पे जो है प्राइस भी चेक्ड रहता है। तो इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रहा है जो इस कंपनी को वापस से सर्वाइव किया जाए, और ये इसी वजह से जो है आपको ये राहत दिया गया है जो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो है आपको 16,000 करोड़ का जो भी AGR ड्यूज है उसको आपको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाए। और इसी वजह से आपको वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर दोनों ही शेयर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडस टावर का काफ़ी सारा ड्यूज जो है वोडाफोन आइडिया के पास भी है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक के लेवल्स के ऊपर। अगर हम लोग डेली बेसिस पे बात करेंगे तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ एक बहुत ही अच्छा तेजी देखने को मिला। लेकिन अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे मंथली बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक के पास जो है अभी भी आपको जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की साइड जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत से लोग जो हैं वो आपको ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो लोग जो है धीरे धीरे शेयर बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बहुत से लोग जो है आपको इसमें ऑलरेडी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो मिलेगा जब स्टॉक अपने मल्टी ईयर हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। 16-17 रुपीज के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, या फिर अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें नीचे की साइड में जो है आपको 10 रुपये के लेवल के ऊपर एटलीस्ट अगर मंथली क्लोजिंग दे देता है, फरवरी मंथ का क्लोजिंग अगर 10 रुपये के ऊपर हो जाता है तो भी आपको 50-60% का एक अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 16 के लेवल तक लेके जा सकता है। और अगर एक बार 16-70 का लेवल यहां पे ब्रेक हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में आपको फर्दर अपमूव भी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में अभी जो है अगर आपके पास पोजिशन नहीं है तो बेटर है थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड रिएक्शन है, बिल्कुल ही आपको यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, न्यूज़ के ऊपर ये रिएक्शन हुआ है। अब अगर ये वाकई में एक अच्छा न्यूज़ होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, चार्ट के ऊपर जो है आपको एक पॉजिटिव साइन दिखेगा, और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। नहीं तो अभी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे बेटर होगा वेट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।